इस बच्ची का बर्थ कब का है? 1992 का। 6-7 साल के बाद ये फर्स्ट में पहुंचती है 1998 में। 98 में देखो इसकी दशा भुक्ति कैसी रहती है। नाइनटी एट में चल रहा है इसका जुपिटर में मार्स। अपनी अपनी नोटबुक में देखो जुपिटर में मार्स क्या बोल रहा है। जुपिटर सर जुपिटर एग्रेड है, ए है एंड फेल, एग्रेड है, मार्स मार्स डिग्रेड है। फेल है, मार्स मार्स फेल है बट थोड़ा बहुत जुपिटर सरवाइव कर जुपिटर गई। ठीक एग्रेड है। है अब 99 तक चला और अब इसका जो 99 से और 2001 तक के 2 साल हैं ये कैसी रहेगी। एग्रेड जुपिटर में राहु चल रहा जुपिटर है एग्रेड क्या। एग्रेड गोपाल जी एग्रेड रहेगा सर। टोपर टाइप के बच्चों में रहेगी। अब जैसे ही ये बच्ची 2001 में 9 साल की हुई उसके बाद इसके शनि देवता आ जाते हैं कितने साल के लिए 18 साल के लिए। मैम के शनि देवता क्या बोल रहे हैं वैशाली जी। जुपिटर सर फेल फेल बता रहे हैं, बता रहे हैं दिलबाग जी जल्दी ना करो। सी ग्रेड सर फेल सीग्रेट बता रहे हैं शनि फेल देवता। फेल। हाँ जी सर फेल। भाई सीग्रेट और किस किस का बता रहा है मुझे ये बताओ। शनि देवता इसका हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे दिलबाग जी। सीग्रेट कैसे बता रहा है फेल शनि ही सर देवता फेल सारे नेगेटिव है। फिर आप सीग्रेट क्यों बोल रहे हो। अच्छा अच्छा सॉरी सर। तभी मैं बोल रहा हूँ जल्दी मत करो प्लीज। एक एस्ट्रोलॉजर के जीवन में जल्दी उसको मरवा देती है फंसवा देती है। क्लियर ठीक है। अब इसका 18 साल नीले जी कैसा काम रहेगा। स्लो वो दिक मतलब स्लो रहेगा सर राइट। अब 2001 से 2019 में इसकी एज होगी 28 साल। उसके बाद मरकरी आ रहा है मरकरी फेल है सर। वो तो कह रहा मैं फेल भी नहीं पढ़ने दूंगा। अब इसका तो मिक्स रहा ही नहीं पढ़ाई में तो हमेशा नील रही इंदु हाँ जी जी नील बटे सन्नाटा रही है तो पढ़ाई में हाँ जी जी है ठीक है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस क्या होता है एक्चुअली। और यही इसकी जुपिटर की दशा शुरू से पूरी पूरी चल रही होती राहुल या मंगल की चल रही होती तो पूरा जीवन बढ़िया निकलता। इतने 10-11 हैं कि नॉट ओनली पढ़ाई हर चीज में बढ़िया निकलता। अब ये ऐसे बच्चे आ जाएं तो क्या करोगे क्या लोगे इंदु जी उनकी मम्मी को भैया तेरी बच्ची नहीं पढ़ने वाली है। नहीं सर इसमें नेगेटिव नंबर्स निकलेंगे। आई हैव सीन मेनी चार्ट्स जिसमें कितने भी टिपिकल से टिपिकल चीजें आ जाएं बट हमने हमेशा कोशिश ये की है कि उसको जितने नंबर्स को नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। यही टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। कैमरे जोन रखिए जो जो रख सकते हैं। एक दो लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं उनको छोड़ के बाकी लोग क्या कर सकते हो आप। ऐसा कौन सा तरीका है जो आपको लेके जाएगा। कैसे बनाएंगे ठीक है। अब इसमें सिंपली देखेंगे हम जो 6 नंबर होता है थोड़ा सा आगे पढ़ रहे हैं ठीक है। जो 6 नंबर होता है वो होता है मेडिकल लाइन का। वो नंबर होता है लॉ का। 2 नंबर होता है कॉमर्स का। 3 नंबर होता है कम्युनिकेशन का। 3 नंबर होता है स्पीकिंग पावर का स्पीच का। 3 नंबर होता है डिबेट का। 3 नंबर होता है इंटरव्यू क्लियर का बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स का जो मैंने पहले बताया था। 3 नंबर होता है राइटिंग का लेखन का। मोनालिसा जी आपने भी देखा होगा ना बहुत सारे लोग जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट दे डोंट हैव स्पीकिंग पावर। 3 नंबर विद्यार्थी जीवन में पुराने समय में नेगेटिव माना जाता था कि भाई ये बच्चा बोलता बहुत ज्यादा ये क्या पढ़ता होगा। बट आज की डेट में तो डिमांड बन गई है। पहले ऐसे ही होता था ना जो बच्चे इंटेलिजेंट होते थे ना करण वो कभी भी पत्रकार नहीं बनते थे। हमारे देश का दुर्भाग्य यही रहा। और जो बाद में पत्रकार बनते थे 3 नंबर वाले उनकी बहुत ज्यादा सैलरी होती थी। जो डॉक्टर इंजीनियर बनते थे उससे भी ज्यादा छाप रहे होते थे। ऐसा ही हमारे देश में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके पास 5 नंबर था क्रिएटिविटी थी इंटेलिजेंसी थी 3 नंबर बहुत स्ट्रोंग था ठीक है। वो बच्चा आज कपिल शर्मा के नाम से छाया हुआ है सबको फेल कर दिया।
अभी निकालेंगे उनको, प्रोफेशन पे आऊंगा मैं, आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या होना चाहिए। समझने की कोशिश करना प्लीज, लिखने की कोशिश मत करना। जो लोग नहीं भी देखते पीछे, अगली दो तीन क्लासेस की वीडियो जरूर देखना, दोबारा दोबारा देखना, अगर अच्छे से एस्ट्रोलॉजर बना जाए, नहीं तो फिर एंजॉय तो सारे ही कर रहे हैं, टाइम पास भी हो रहा है आप लोगों का, मेरा भी शौक पूरा हो रहा है पढ़ाने का। राहुल आज मेरे पास आया था, राहुल को पता है मेरा शेड्यूल का। राहुल इस टाइम मैं यमुनानगर में हूँ बेटा। अच्छा वहां पहुंच गए सर इतनी दूर? बस ऐसा ही है मेरा, ऐसे ही उड़ता ही रहता हूँ बस। ठीक है, दिलबाग जी मेरे साथ फोन पे थे, दीपिका गुप्ता जी आज मेरे साथ रास्ते में कंसल्टेशन करता हुआ आया हूँ मैं, लैपटॉप मेरा था। ठीक है, बट मैं भी, मेरा भी शौक पूरा हो रहा है, चल रहा है ना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद छह नंबर हो गया, तीन हो गया, इसके बाद तीन नंबर के साथ और दस और ग्यारह मिल जाए तो ये फेम दिलवा देता है। फेम का नंबर बेसिकली दस और ग्यारह होता है, स्टेटस होता ना फेम, रिकॉग्निशन मीडिया के थ्रू फेम होना, तो तीन दस ग्यारह हो गया, तीन छह ग्यारह टीवी चैनल्स में ले जाता है, तीन ग्यारह कम्युनिकेशन वाली लाइन्स में ले जाता है। ठीक है, तीन छह आठ आ रहा हो तो बंदा ऐसे ही बस बेकार सा ही रहता है, कुछ भी नहीं करता। ठीक है, पांच ग्यारह स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स पांच ग्यारह पढ़े लिखे ऊंचे ना हो, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। पांच नंबर वैसे भी ना आपको अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए तो जो ये बड़े बड़े लोग देखोगे ना, आशाराम राम रहीम, उस पांच के साथ कहीं आठ नंबर आ गया, जिस भी दहशा भक्ति अंतरी में, तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर्स तो बनते ही ना दीपिका जी, जो एक्चुअल संत है वो तो भैया जंगलों में ही रहते हैं, वो थोड़ी आके ऐसे वो करते हैं, कुछ एक है तो वो है आज भी ऐसे संत है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पांच ग्यारह या पांच नौ ग्यारह जिसकी भी ज्यादा होंगी, उसकी इंट्यूशंस काफी स्ट्रोंग होंगी, उसकी इंट्यूशंस काफी स्ट्रोंग होंगी। ठीक है जी, जी मयूर बेटा चाय पीऊंगा मैं, एक गिलास पानी और चाय। ठीक है, ठीक है जी। अब यही जो आपके नंबर ऐसे आ रहे हैं, चार पांच नौ ग्यारह, साथ में आठ बारह आ रहे हैं, अब चार पांच नौ ग्यारह इंटेलिजेंसी सब कुछ आ गया, आठ बारह डीप नॉलेज इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है, एक छह आठ बारह मेडिकल लाइन की तरफ ले जाता है। ठीक है, फीके खाली दस ग्यारह आ रहा है एमबीए मैनेजमेंट, पानी पिला दे पहले, पानी भी फीका ही पीऊंगा। ठीक है, खाली दस ग्यारह आ रहा है आईएस वाईएस बना देता है, स्टेटस वगैरह सब कुछ, आईएस वाईएस के लिए थोड़ा सन मून दोनों चीजें चाहिए होती है। ठीक है, ठीक है, तीन नौ ग्यारह आईएफएस की तरफ ले जाता है, पॉलिटिशियन के लिए एक दस ग्यारह, एक दस ग्यारह चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, सात आठ बारह मैंने बताया था एग्रेशन का देता है, तो किसी भी स्पोर्ट्समैन के जीवन में सात आठ बारह होना बहुत जरूरी है, उनका एग्रेशन पसीने के रूप में निकल रहा होता है। आपने कभी देखा है ऐसा लगता है ना, पहलवानों को देख के, हरियाणा में जो हमारे पहलवान होते हैं, देख के लगता है बड़े गुस्से वाले होंगे, ये होता लगता है ना रुचिता जी, जब तक वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना गोपाल जी, बड़े शांत और स्वभाव के होते हैं, कूल होते हैं। बट आप बहुत से पहलवानों को देखना, जब वो पहलवानी छोड़ देते हैं वैशाली जी, तो क्रिमिनल्स भी बन जाते हैं, क्योंकि जो उनका सात आठ बारह है ना, उनको क्राइम की तरफ भी ले जाता है। आप देखना बहुत से पहलवान होते हैं ऐसे। ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको लिटिगेशन में कि मर्डरर कब होते हैं और कैसे क्या क्या चीज़ होते हैं, कोऑर्डिनेट्स मिलते जुलते लगेंगे आपको। तीन नौ बारह ट्रैवल का होता है, तो अगर तीन नौ बारह है तो बंदा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी चला जाता है, इधर की साइड चला जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक प्रोफेशंस के नाम बताओ, आज मैं वो प्रैक्टिस करूंगा, जनरली मैं होमवर्क के लिए देता हूं, बट आज मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा उसको। कब मैं ले लूंगा यार, पढ़ाने दो। प्रोफेशंस मेरे लिए गोपाल जी, आप अनम्यूट करके लिखते जाना अपने उस पे। गोपाल जी मेरे लिए लिख रहे हैं, कोई भी एक प्रोफेशन गोपाल जी आप बोलो जो मैंने ना पढ़ाया हो। लॉयर, लॉयर,
लॉयर बोला लायर बोला आपने, वैसे दोनों एक ही होते हैं, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लॉयर लिख लो। रुचिता जी कोई भी प्रोफेशन बताओ, कोई भी बोलो, वॉलंटियरली हैंड रेज करके बोलो, जो प्रोफेशन मैंने नहीं पढ़ाया और वो आप सीखना चाहते हो किधर से होगा। नीलय कुमार जी बोलो। सर गवर्नमेंट जॉब, मेडिकल। मेडिकल और बताओ। अवस्थी जी क्या बोल रहे थे आप? इंडस्ट्री सर। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब लिखो। गोपाल जी लिखते जाओ, धीरे धीरे बोलो भाई, गोपाल जी डांट भी देंगे, ऐसे मत देखो। आर्किटेक्चर लिखो। आर्किटेक्ट, मुझे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर, आंचल जी बोलो। इंटीरियर डिजाइनर। गुरुजी शेयर मार्केट। शेयर मार्केट सर। एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर वेरी गुड सर। सिंगर। सिंगर लिखो। राहुल ने भी बोला सिंगर। और बताओ सर। प्रोफेसर। टीचर। प्रोफेसर लिखो। टीचर बहुत बढ़िया सर। सीए। सीए, सीए लिखो जी। सीए वैसे मैंने पढ़ाया बट लिख लो, कोई बात नहीं, फर्क पड़ता। सीए जिसका होता जाए वो हैंड डाउन करते जाओ भाई प्लीज। रीमा शर्मा जी बोलो सर। यूपीएससी। यूपीएससी लिखो जी। और दसो। इंडस्ट्री सर। अरे इंडस्ट्री ले लिया भाई, प्रशांत लिखवा दिया, टेंशन क्यों ले रहा है, छोड़ना किसी को नहीं है, मैं तो सबको बोलने का मौका दे रहा हूँ। बोलो बोलो सर। गुड राइटर। बुक राइटर लिख लो जी। इंजीनियर सर। इंजीनियर वैसे मैंने बताया बट लिख लो फिर भी। सर प्रॉपर्टी डीलर। लिख लो जी। प्रॉपर्टी डीलर लिखवाया तो है मैंने, बिल्डर का लिख लो बट फिर भी। फॉरेन मिनिस्टर। क्या होता है मिनिस्टर? मींस मिनिस्टर, पॉलिटिशियन मींस पॉलिटिशियन। एंबेसडर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंबेसडर, दैट इज आईएफएस। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज। यस सर। यस सर। अमीश चोपड़ा, ये कौन है भाई अमीश चोपड़ा? भारती सर। अरे भारती यार, नाम से करा करो ज्वाइन। बोलो जी भारती जी, की बोलना चाहते हो? होलसेलर सर। होलसेलर लिखो जी। साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट लिख लो। ऑनलाइन सेलर आजकल बहुत चल रहा है। ऑनलाइन लिखो जी। ऑनलाइन बिजनेसमैन। जो सीईओ होते कंपनीज के। सीईओ होते हैं कंपनीज के, ठीक है लिख लो जी। सीईओ सर। यूट्यूबर। यूट्यूबर लिख लो जी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको किसी ज्योतिष की बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने बताया ना, देवर ओनली फ्यू प्रोफेशंस, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, दैट वाज रिटन इन यू इन द बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ज्योतिषी, एक डॉक्टर और एक लॉयर जब तक पढ़ते रहते हैं तब तक सबसे आगे रहते हैं। जिस दिन उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया उस दिन वो पिछड़ना शुरू हो जाते हैं, रिमेंबर दिस। मुझे कहां से मिल गए सारी चीजें? आपके पास आते हैं पेरेंट्स, बोलते हैं मैं अपने बच्चे को कॉमेडियन बनना चाहता हूं। कॉमेडियन भी लिख लो गोपाल जी, सिखा देंगे बच्चों को कुछ। पेरेंट्स आते हैं जी, आई वांट टू मेक माय सन कॉमेडियन, मैं चाहता हूं कि अगला कपिल शर्मा यही बने। किसको अच्छा नहीं लगेगा यार, साल भर में 15 करोड़ टैक्स भरेगा जो गोपाल जी। हम सब मिलके भी 15 करोड़ नहीं भरते होंगे, ठीक है। देयर आर मेनी प्रोफेशंस, हो सकता है हम कुछ आज डिस्कस कर पाएंगे रुपिंदर जी, कुछ नहीं भी कर पाएंगे, छूट जाएंगे। या आज आपने कोर्स कर लिया, हो सकता है 2 साल बाद कोई और भी कोर्स आ जाए, कोई और भी प्रोफेशन आ जाए। इसीलिए जो आज आपको मैं सिखाना चाहता हूं, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम ब्रेन। हमारे इंडिया में पहले ऐसे ही सिखाया जाता ना आंचल जी, मीनिंग्स याद करो, हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में याद करो, याद करो, याद करो। तब लगता था यार ऐसे ऐसे तो जिंदगी में इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे, और जिस दिन इंग्लिश बोलनी आई उस दिन पता चला कि वही जो हम पढ़ते थे वही सारा काम आया। अब सोचना शुरू कर दोगे ना दिमाग से आज तो अच्छा रहेगा। तो अब गोपाल जी और सारे लोग, कोई भी प्रोफेशन को समझना क्या है, हो सकता है कुछ एक चीजें मुझसे छूट गई हूँ, मैं भी डिस्कस करूंगा। लॉयर, लॉयर के लिए कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? नोट्स देखो, सोचो दिमाग से, मैंने क्या बताया था लॉ के लिए?
आठ नंबर होता है लो के लिए, छह नंबर होता है लो के लिए, आठ नंबर होता है कोर्ट कचहरी के लिए. छ आठ बारह इज द परफेक्ट कोऑर्डिनेट फॉर लॉयर. गोपाल जी छ आठ बारह इज परफेक्ट कोऑर्डिनेट फॉर लॉयर, समझ रहे हो? राइट. सो थ्री भी आएगा? हाँ सो यहाँ थ्री भी आएगा क्योंकि स्पीच और डिबेट का काम भी होता है. बच्चे सुन तो ले मेरी बात, तो सुन ले, मैं तो पढ़ा दो लेना तो फिर आपके पॉइंट्स भी लेंगे ना. छ आठ बारह इज परफेक्ट कोऑर्डिनेट फॉर लॉयर. अब समझो ये छह आठ बारह तो सबसे नेगेटिव होते हैं, मैंने जो शुरू में पढ़ाया था तो हर जगह नेगेटिव होते हैं. इसीलिए बोलता हूं कि कोई भी बंदा गलत पत्री लेकर पैदा नहीं होता. फर्क क्या होता है रश्मि जी, हमारे देश में दो तरह के बापू होते हैं. एक तो होते हैं थ्री इडियट वाले, जो तेरा मन करे वो पढ़ाई करे. एक होते हैं दंगल वाले कि जो हम बोलेंगे वो करेगा. मोनालिसा हैव यू सीन दीज मूवीज? ठीक है कुसुम जी, आपने देखी है दोनों मूवी? या गुरु जी. ठीक है गोपाल जी, तो प्रोफेशन के हिसाब से ही कांड होने शुरू हो जाते हैं लाइफ में. मैं आपको एक दिखाऊंगा, एक बंदे का आज ही मेरे पास आया था, उसके पूरे छह आठ बारह आ रहे. मैं कहा तू तो मर रहा होगा. बोला सर बहुत बढ़िया चल रहा है. आज ही आया था शायद राहुल से पहले ही. समझने की कोशिश कीजिए, छह आठ बारह जैसे ही आपने उसको लो के प्रोफेशन में डाला, आंचल जी उसके सारे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव में बदल गए. अब इसके बाद आप आगे चीजें देख लो. खाली छह आठ बारह है तो ऑर्डिनरी लॉयर होगा, छह आठ बारह के साथ दस ग्यारह आ रहा है तो स्टेटस वाला होगा, छह आठ बारह के साथ खाली ग्यारह आ रहा है पैसे कमा रहा होगा, इज्जत नहीं होगी. सब कह रहे होंगे कोर्ट मेरे बड़ा नालायक यार, ये तो रेपिस्ट को भी खुदा प्रूव करने की कोशिश करता है, ये तो मर्डरर को भी खुदा प्रूव करने की कोशिश कर, इज्जत नहीं होगी पैसे कमा रहा होगा. दस ग्यारह होंगे तो बढ़िया लॉयर होगा, दस नंबर होगा स्टेटस होगा इज्जत होगी पैसे नहीं होंगे. खाली ठंडन गोपाल तीन पांच छ आठ बारह दस ग्यारह बल्ले बल्ले करण सब कुछ है इंटेलिजेंट बड़ा लॉयर. ऐसे ऐसे लॉयर हैं जो एक 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 हियरिंग की एक एक करोड़ रुपए लेते हैं. होता ना, पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है. तो अब आपको ये देखना है, अगर आपके पास कोई सपोज आता है करण, सपोज फीमेल से तो नहीं पूछते, एज नहीं पूछनी चाहिए. अब कोई आता है प्रशांत की एज में, प्रशांत कितनी एज है बेटा? प्रशांत शर्मा अनम्यूट करना होता है भैया. सॉरी सर 39. 99 तो नहीं होगी तेरी एज, उससे कम ही होगी. 39 सर. 39. अब जैसे 39 की एज में आता है और इसका कुछ इश्यू दिखता है, तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि तू प्रोफेशन चेंज कर ले, मैं इसको कहूंगा तू लोक में एडमिशन ले ले. लो में एडमिशन कभी भी ले लो, कॉरेस्पोंडेंस से ले लो, आजकल तो ले सकता है. जैसे ही बंदा लो में एडमिशन लेगा उसकी लाइफ में चीजें चेंज हो जाएंगी. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इवेंट प्लानिंग टेक्निक इज. वो कह रहा है यार मैं गुरुजी के पास गया था, गुरुजी ने मेरे को ना पूजा बताई ना रत्न पहनने के लिए बताया गोपाल जी, और मुझे कहा तू लो में एडमिशन ले ले. बट यहां उसकी लाइफ में चेंज होने शुरू हो जाएंगे. गेटिंग माई पॉइंट? लो में एडमिशन कौन ले सकता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? कोई भी ले सकता है. नहीं ओपन ओपन से कहीं से भी ले लो. साहब मैं तो लो में एडमिशन ले ही नहीं सकता, मैं तो टेंथ के बाद स्कूल गया ही नहीं, पप्पा ने बहुत बोला बट मैं नहीं गया. तो बोले लो की किताब तो खरीद सकता है, कानून की किताब पढ़ दिया अगर, कोर्ट में वैसे चला जाए कर दिन में एक बार. गोपाल जी गलत तो नहीं कह रहा, काम करेगा, काम करेगा, करेगा. तुम लोग सारे गर्दन हिला रहे हो, समझ में आ रहा है ना? नितिन की मजबूरी है इनकी. ओके आ रहा सर, आ रहा है, आ रहा है. कैमरा क्यों ऑफ है दिलबाग जी? आप तो खाना भी जल्दी बना लेते हो. गोपाल जी हेडफोन भी नहीं चला जी. गोपाल जी बताओ अगला प्रोफेशन बताओ. गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब
देखिए गवर्नमेंट जॉब जनरली देता है, अगर हम इसके हिसाब से बात पढ़ें, खाली नाड़ी को पढ़ें, तो गवर्नमेंट जॉब देते हैं सन और मून, बट ऐसा नहीं है। जहां भी आपके 10-11 भर भर के आ रहे हैं वहां आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। सर मंगल भी देता है सर, मार्स। अरे मैं कह रहा हूँ शनि भी देता है यार, क्या बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ सारे देते हैं, सिर्फ 10-11 देखना आपको। गवर्नमेंट जॉब में आपका लक चलता है, ये ध्यान रखना, ठीक। बहुत बार लग जाती है, बहुत बार नहीं लगती। कुछ लोगों का जीवन निकल जाता है मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, लगे रहते हैं। लक तो 9 नंबर होता है ना, लेकिन गुरु जी नहीं बेटा, नहीं ये 10-11 ही होता है लक, सब कुछ 10-11 ही होता है, ठीक है। ओके 10-11 दूसरा, 9 वाला नंबर होता है ना बेटा, वो दूसरा लक होता है, वो अध्यात्म वाला लक होता है, श्री जी से मिलना हो तो होता है वो। अच्छा अब देखना जो एक्चुअल संत होंगे वो लेंगे नहीं कुछ भी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज के टाइम में कैसे संत को जानता हूँ, आप उनको 100 रुपए दो तो वो कहेंगे नहीं यार बस एक रोटी खिला दे, बहुत है। बोले बाबा रख लो कल के लिए, बोले कल की टेंशन मैं थोड़ी लूंगा, उसके लिए तो राधा रानी लेंगी। मैं टेंशन ही लेता तो फिर मैं संत का करा, कल की टेंशन लूंगा, बोला मुझे 1 मिनट बाद का पता नहीं, कल तक मैं जीऊं ही ना। मैंने देखे अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिला हूं, भूख लगी तो एक रोटी खा ली, नहीं तो नहीं खाई। नियम होते हैं, 3 बार भिक्षा मांगी दे दी तो ठीक है, नहीं तो नहीं मांगेंगे, फिर नहीं लेंगे उस घर से भिक्षा। जहां उनको लगा खाने के लायक आ गया वहीं से लौट आएंगे, यानी पूरे गांव से भिक्षा लेनी है, वो भिखारी हो जाता है। चलिए आगे बताइए, आगे कहां था मैं, लॉयर। लॉयर के बाद गवर्नमेंट जॉब बोला आपने, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब कोई भी दिलवाता है, 10-11 कोऑर्डिनेट स्ट्रांग होने चाहिए, नेगेटिव आना रहे हो दिलवा देता है। कई बार 10-11 के साथ 12 भी आ रहा होता है, मोनालिसा जी, फिर वो पैसे देके गवर्नमेंट, जैसे पैसे देके भी होता है ना, मिनिस्टर को दे दिए इतने पैसे और फिर वो लगते हैं, ठीक है, होते हैं लोग ऐसे, मतलब ठीक है। आगे बताओ गोपाल जी, कई बार आप देखोगे बंदा ना गवर्नमेंट जॉब बिना 10-11 के भी लग रहा होगा, वहां वो थोड़ा सा लाल किताब वाला फंडा काम करता है। 2-9-10 का एक सूत्र होता है, जैसे भारती जी वगैरह यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, और जो लोग अभी आगे कर रहे हैं तो वो आगे सीखेंगे 2-9-10 का सूत्र क्या होता है। कई बार आप ऐसे केसेस भी देखेंगे, ठीक है। आगे बोलिए जी, मेडिकल 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 मैंने पढ़ाया है। देखो मेडिकल में सबसे पहले जो नंबर होते हैं 6, 8, 12 वो बेकार होते हैं, और 1 लग जाए उनके साथ तो सेल्फ के लिए बेकार होते हैं। 1, 6, 8, 12 मीन्स वैशाली जी वो आपके शरीर को बीमार कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अब 1, 6, 8, 12 के साथ 10-11 आ रहा है तो इसका मतलब आप इसी प्रोफेशन से कमा रहे हो, देन इट विल गिव यू द प्रोफेशन ऑफ मेडिकल फील्ड। अब 1, 6, 10, 11 आ रहा है, अब इसमें आप दीपिका जी ऐसे ले लो कि बोलने वाला डॉक्टर है तो 3 नंबर भी आ जाएगा, इंटेलिजेंसी भी आ जाएगी, वो सब आ जाएगा, ठीक है। वो इसमें आप लगाते रहना अपने आप, जितने नंबर लगाने हैं मैं आपको मेन मेन नंबर बताऊंगा। अब देखो 1, 6, 8, 5, 10, 11 ये तो डॉक्टर के आ जाते हैं, स्टाफ नर्स भी होती है, जाते तो सारे बेचारे हॉस्पिटल ही है ना, किसी का 1, 6, 8, 12 भी आ रहा होगा, बीमारी का भी 1, 6, 8, 12 है। सो यू रिमेम्बर दिस, जब बंदे का 1, 6, 8, 12 आ रहा हो तो करण में उस एज में उसको नहीं कह सकता कि तू डॉक्टर बन जा, मेडिकल की पढ़ाई कर ले, बट मैं उसको ये तो बोल सकता हूँ कि रोज हॉस्पिटल जाया कर, पानी पी के आ जाया कर, महीने में एक बार जाया कर, हफ्ते में एक बार जाया कर। कहेगा जी हॉस्पिटल जाने से भी काम नहीं हो रहा, 1, 6, 8, 12 स्ट्रोंग आ रहे हैं, तो भैया ब्लड निकलवाया कर, सिरिंज में भर के निकलवाया कर, ब्लड डोनेट नहीं करना, ब्लड निकलवाया कर, ब्लड निकलवाया करो, बिल्कुल गंवार बन के जाना नीले जी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, भाई ब्लड निकाल दे मेरा। ये निकाल दे क्या होता है बे, प्राइवेट हॉस्पिटल का कभी डांटेगा नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पक्का डांटेगा। डांट भी खा के आनी है, 6, 8, 12 है तो हरासमेंट भी करा के आना है, एक्चुअल में बीमार होने से भी बचाना है ना उसको। स्टोरी सुनाई थी मैंने लास्ट टाइम ब्रेन वाली, मेरे पास जो आया था, गेटिंग माय पॉइंट और नोट? जी सर, जी सर। मजा आ रहा है ना सर, बस मजे लेते रहो, थोड़ा दिमाग में बैठा देना, खाली मजे मत लेते रह जाना। सो दिस इज व्हाट मेडिकल प्रोफेशन इज। बच्चे के कोऑर्डिनेट 10वीं में जरूर देखो। आई एम ऑलवेज सेइंग कि जब बच्चा 10th में है तब एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलो,